हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी चटकारे। आज हम बनाएंगे बॉम्बे की बहुत ही फेमस पाव भाजी, जो नाम सुनते ही सबको बड़ा खाने का दिल करता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए हमने ये टमाटर लिए हैं, ये 3 टमाटर हैं जो हमने इसको रफली चॉप किया है, और ये गोभी है, ये लगभग 100 ग्राम गोभी है। गाजर भी हमने लगभग 100 ग्राम ली है, मटर भी हमने 100 ग्राम लिए हैं। ये थोड़ा सा भाजी मसाला है, सब्जी मसाला, और ये पाव भाजी मसाला है। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, थोड़ा अदरक लहसुन की पेस्ट, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं जिनको हम फाइन चॉप करेंगे, और ये 2 शिमला मिर्च हैं इनको भी हम फाइन चॉप करेंगे। 2 आलू लिए हैं, ये बड़े साइज के आलू हैं, इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये बॉयल करे हुए आलू हैं, और इन सब्जियों को जो है पहले हम कुकर में अच्छी तरह से गला लेंगे। एक बड़ा चम्मच ऑयल लेंगे, और जब हम बटर डालेंगे, नेचुरली है कि पाव भाजी में बटर बहुत जाता है, तो बाद में जब हम इसका तड़का लगाएंगे तब उसमें हम ढेर सारा बटर डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऑयल डाल लेते हैं हम। ये अब हम इसमें थोड़ा सा, अब हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे इसमें। जीरा हल्का सा हमारा क्रैकर होने लगा है। ये हमारा सब्जी मसाला है, ये डाल लेते हैं साथ साथ में। अब हम सब्जियों को साथ साथ में हल्का सा भूनेंगे। ये गोभी है, ये गाजर डाल दें, ये मटर है। ये सब्जी को अच्छी तरह से हमने गलाना, 2 सीटी लगाएंगे इसमें। इसके बाद हम गैस को हल्की कर देंगे। ये टमाटर है, टमाटर को भी हमने साथ साथ में गला लेंगे। अच्छी तरह से टमाटर हमारे गल जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। अच्छी तरह से सब्जियों को चला लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी सब्जियां जो हैं गल जाए अच्छी तरह से। इसमें ये 1.25 ग्लास पानी है, ये डाल दें, और हम 2 सीटी आने तक इसको प्रेशर कुकर करेंगे, और इसको बंद कर देते हैं कुकर को। अब 2 सीटी आएंगी तो हम इसको जो है गैस को हल्की कर देंगे, और 5-7 मिनट के लिए जो है हम छोटे उस पे धीमे आग पे पकाएंगे। सब्जी हमारी अच्छी तरह से गल जाएंगी, तो हम इसका तड़का तैयार करते हैं। ये सब्जी हमारी की जो प्रेशर कुकर हमारा खुल गया, और सब्जी हमारी गल गई अच्छी तरह से। टमाटर भी गल गया, टमाटर की वजह से देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। बाकी हम इसको तड़के के टाइम पे जब हम डालेंगे तो अच्छी तरह से मैश करेंगे इसको। तो अब हमने जो ये है शिमला मिर्च को अच्छे फाइन चॉप कर लिया है, प्याज को भी फाइन चॉप कर लिया है। अब इसका तड़का तैयार करते हैं हम। अब हम फिर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल के साथ साथ हम बटर डालेंगे। ऑयल और बटर बाद हम इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारा, अगर बटर डालेंगे तो हमारा बटर जलने के लिए लग जाएगा, तो हम इसमें अब थोड़ा सा ऑयल और बटर मिलाते हैं। ये बटर डालेंगे बहुत सारा अब इसमें, ताकि जो हमारी जो है सब्जी बिल्कुल बटर वाली अच्छी स्वाद बनेगी। हम पहले प्याज डालेंगे। प्याज को हम इतना बस करेंगे जो इसके मॉइस्चर सूख जाए, और जो है हल्का हल्का पिंक पिंक रखेंगे उसको प्याज को, ताकि ज्यादा भूनना नहीं है, तेज आग पर ही इसको हल्का हल्का भूनेंगे इसको। थोड़ा सा ये पिंक हो जाएगा तब हम शिमला मिर्च डालेंगे इसमें। इसको भी हमने साफ साफ में पकाना, आग को तेज ही रखें ताकि इसका जो पानी है हमारा जल्दी से सूख जाए। थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, चटपटा आपने जितना रखना है तीखा आप उतना तीखा रख सकते हैं। ये पाव भाजी मसाला है, ये डालेंगे, ये बड़ा चम्मच है।
ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये भी एक चम्मच है। तो अच्छी तरह से पकाएंगे। ये लाल देवी मिर्च है, ये तीखी तो कम होती है लेकिन कलर बहुत अच्छा देती है। दो मिनट के लिए इसको इस तरह से पकाएंगे आप। अभी आधा चम्मच नमक है, स्वाद अनुसार डालिए क्योंकि हमने पहले भी सब्जी में डाला है नमक। प्याज और शिमला मिर्च पक गए हैं, अब इसमें हम आलू डाल रहे हैं। आलू को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और जो है बाकी सब्जियां भी इसमें जो हमने गलाई हैं कुकर में, अब वो मिला रहे हैं इसके अंदर। धीरे धीरे हम सब्जियों को चाय इस तरह से मैश करिए और जो है मैशर की सहायता से सब्जियों को और थोड़ा सा मैश करेंगे इसको। ताकि हमारी पाव भाजी जो है बहुत ही मस्त बने। सब्जियां अच्छी तरह से घुली होनी चाहिए इसमें। आप बाजार में देखते होंगे सब्जियां अच्छी तरह से मैश होती है इनकी। सब्जी हमारी अच्छी तरह से हमने ये मैश कर ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। थोड़ा सा धनिया बाद में डालेंगे। अब हमें इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे, थोड़ी हल्की गाढ़ी गाढ़ी है। इसको पतला करने के लिए हम आधा ग्लास पानी और डालेंगे और 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट है इसका ये, इस तरह से। अब इसको हम आग को धीमी करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ढक देते हैं इसको हम। इस तरह से हमने अपनी भाजी को तैयार करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा और पाव भाजी मसाला डालेंगे, एक छोटी चम्मच। ये थोड़ा सा धनिया और डालेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम नींबू डालेंगे ताकि जो हमारी पाव भाजी है खट्टी खट्टी बने और स्वाद लगे। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर और डालेंगे। हमारी भाजी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखिए। और हम अपने पाव सेकेंगे गर्मा गर्म, उसके साथ अपनी भाजी को सर्व करेंगे। हमने हार्वेस्ट के पाव लिए हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बाकी आपके शहर में जो भी पाव मिलने अच्छे वाले आप उनके लीजिए। अब इसको हम बटर के साथ सेकेंगे। इस तरह से अपने पाव को हम काटेंगे बीच में से। सब्जी भी इसके साथ मिला सकते हैं, सब्जी भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब एक साइड में अच्छे से लाल हो जाएंगे, थोड़े से सिक जाएंगे हमारे ये पाव। अब दूसरी साइड से सेक लेते हैं।
चप्पा और सिक्के हैं दोनों साइड से। अब हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म अपनी भाजी के साथ। हमारी पाव भाजी की थाली तैयार है, इसमें थोड़ा सा मक्खन डालेंगे हम। लच्छेदार प्याज हमारे साथ में तैयार है, इसमें हल्का सा धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हरी चटनी डालेंगे। प्याजों पर ही अपनी हरी चटनी डाल लीजिए। और पाव भाजी का मजा लीजिए। ये हमारी पाव भाजी तैयार है, इसे आप संडे को ब्रंच में और शाम के टाइम आप किसी भी समय बना के इसको खा सकते हैं। और हमारी बॉम्बे की स्पेशल पाव भाजी झटपट से बनने वाली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।